सदस्यता घोटाले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जारी जंग के बीच अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। सीएम अरविंद केजरीवाल, आशुतोष कुमार विश्वास समेत कई बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच मिलीभगत का आरोप भी लगाया। क्या सोनिया गांधी से डरते हैं पीएम मोदी? क्या कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को बचा रही है? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ये गंभीर आरोप लगाते हुए पीएम मोदी को घेरा है। अगस्ता घोटाले में जांच की मांग को लेकर आप ब्रिगेड शनिवार को दिल्ली की सड़कों पर उतर आई। जंतर मंतर से शुरू हुए प्रदर्शन में सीएम अरविंद केजरीवाल, आशुतोष कुमार विश्वास समेत कई मंत्री मौजूद थे। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी सोनिया जी से डरते हैं, इसलिए अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं करवा पाए। केजरीवाल ने डिग्री विवाद का जिक्र करते हुए दोनों पार्टियों पर साठगांठ का आरोप लगाया। मोदी जी की डिग्री की बातें चल रही है, मोदी जी की फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है। राहुल गांधी ने बात करी इस बारे में? बात करी राहुल गांधी ने? सोनिया गांधी ने मुंह खोला? किसी भी कांग्रेसी ने मुंह खोला? सारे चुप हैं, सारे चुप हैं। बड़ी अच्छी सेटिंग है। मोदी जी ने आश्वासन दे रखा है कि हम तुमको गालियां देंगे, अगस्ता वाले केस में गिरफ्तार नहीं करेंगे। सोनिया जी ने इनको आश्वासन दे रखा है हम तुम्हारी डिग्री का मामला नहीं उठाएंगे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पीएम न सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि पूरी कांग्रेस को बचा रहे हैं। इनसे दो साल में कुछ नहीं हुआ, हमने 49 दिन के अंदर शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ 3 FIR दर्ज कराई थी। जैसे ही हमारी सरकार गिरी, इन्होंने तीनों फाइलें एक अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया। एक साल तक उसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, एक साल तक उसके बाद दिल्ली में मोदी जी का शासन था। इन्होंने तीनों शीला दीक्षित की फाइलें उठा के अलमारी में ताला लगा दिया। जब दोबारा हमारी सरकार बनी, फिर से हमने ताला खोला, उन तीनों फाइलों पे एक्शन लेना चालू करा, जांच चालू करी, तो मोदी जी तिलमिला गए। उन्होंने 8 जून को पिछले साल अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर कब्जा कर लिया और इन तीनों फाइलों को फिर से अलमारी के अंदर बंद करके ताला लगा दिया। दोस्तों, अगस्ता घोटाले की जांच ना कराने को लेकर जब केजरीवाल ब्रिगेड ने प्रधानमंत्री निवास, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर की ओर बढ़ना चाहा, तो पुलिस की घेराबंदी ने उन्हें रोक लिया। लेकिन घेराबंदी के बावजूद कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे रहे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आपके 80 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और कुमार विश्वास ने भी मामले में गिरफ्तारी दी, लेकिन आपका प्रदर्शन जारी रहा। आपको बता दें कि अगस्ता घोटाले का मुद्दा इन दिनों संसद में गरमाया हुआ है। 360 करोड़ के घोटाले में इटली की अदालत ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। मामले में सोनिया गांधी का भी जिक्र हुआ था, जिसके बाद से ही इस मुद्दे की गूंज संसद से सड़क पर सुनाई दे रही है। तो साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी इस सियासी खेल में कूद पड़ी है और दोनों ही पार्टियों को अपना निशाना बना रही है।